बच्चों, मैं अमरनाथ सर शांति निकेतन जूनियर बेसिक विद्यालय जेवल गाजीपुर से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आप लोगों को क्लास 3 का रीड फॉर फन, मतलब रीड फॉर फन, रीड मीन्स होता है पढ़ना, फॉर माने के लिए, फन माने मनोरंजन। जैसे मनोरंजन के लिए आप लोगों के किताब में दिया है ए व्हाइट हैन हैड टू चिक्स। ए व्हाइट हैन मतलब एक सफ़ेद, ए मीन्स क्या होता है एक, व्हाइट मीन्स सफ़ेद, हैन मीन्स मुर्गी, हैड पास, टू मीन्स दो, चिक्स माने होते हैं मुर्गी के बच्चे। मुर्गी के बच्चे आप लोग देखें छोटे छोटे मुर्गियों के साथ घूमते रहते हैं ना, तो उनको क्या कहते हैं चिक्स कहते हैं। जो मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको चिक्स कहते हैं। ए वाइट हेन हैड टू चिक्स, एक सफ़ेद मुर्गी के पास कितने बच्चे हैं, दो बच्चे हैं। कैसे हैं सफ़ेद, एक सफ़ेद मुर्गी के पास दो बच्चे हैं। कैसे हैं, वन येलो चिक्स एंड वन रेड चिक्स, वन येलो चिक्स यानी एक जो है क्या है, वन मीन्स एक, येलो मीन्स पीला, एक पीला है, चिक्स मीन्स मुर्गी का बच्चा, क्या है वन येलो चिक यानी एक मुर्गी का बच्चा कैसा है, पीला है, एंड एंड मीन्स और, वन रेड चिक और एक कैसा है, वन रेड चिक्स और एक लाल कलर का जो है या लाल रंग का मुर्गी का बच्चा है। यानी मुर्गी के पास कितने बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, एक पीला पीले रंग का है और दूसरा कैसा है, लाल रंग का है। द रेड चिक लव्ड रेड थिंग्स, द रेड चिक जो लाल मुर्गी का बच्चा है, लव्ड रेड थिंग, लव्ड मीन्स पसंद करना या प्रेम करना होता है, तो यहाँ प्रेम से नहीं पसंद से है वह अर्थ है आपका, तो लव्ड मीन्स पसंद करता है रेड थिंग्स, रेड मीन्स लाल होता है, थिंग्स मीन्स वस्तुएं, थिंग्स मीन्स क्या होता है वस्तुएं, तो जो लाल मुर्गी का बच्चा है वो लाल वस्तुओं को पसंद करता है या लाल वस्तुओं से प्रेम करता है। द येलो चिक लव्ड येलो थिंग्स, द येलो चिक, येलो मीन्स पीला, चिक मीन्स वो मुर्गी का बच्चा, लव्ड मीन्स पसंद करता है, और येलो थिंग्स जो पीला मुर्गी का बच्चा है वो पीली वस्तुओं को पसंद करता है। द येलो चिक लव्ड येलो थिंग्स यानी जो पीला मुर्गी का बच्चा है वो जो है पीले रंग की वस्तुओं को पसंद करता है, जैसे आम हो गया उसको देखकर उसके तरफ दौड़ पड़ता है, यानी जो पीले कलर की खाने पीने की वस्तुएं हैं उसकी तरफ वो दौड़ के चला जाता है, और जो लाल मुर्गी का बच्चा है वो लाल वस्तुओं को जैसे लाल मिर्च देख लिया या कुछ जैसे लाल कोई फल देख लिया तो उसकी तरफ दौड़ के भागता है। वन डे मीन्स एक दिन, वन डे मीन्स एक दिन, द रेड चिक लाल मुर्गी का बच्चा सामिस देखा, सामिस क्या होता है देखा, ए चिली, चिली मीन्स क्या होता है मिर्च होता है, चिली मीन्स मिर्च, एक मिर्च को देखता है, क्या करता है, द रेड चिक सा ए चिली मतलब जो लाल मुर्गी का बच्चा है उसने क्या देखा, एक मिर्च को देखा, इट वाज रेड, मिर्च तो हरी भी होती है और लाल भी होती है, हरी कब रहती है, जब तक उस मतलब
हरी मिर्च जो है साग सब्जी में भी पड़ती है, दोनों कलर की होती हैं। और जब पेड़ में खूब पक जाती है मिर्च तो उसका कलर चेंज होता हो जाता है और वो लाल हो जाती है। तो यहाँ पे उसने क्या देखा, लाल मिर्च को देखा। इट वाज रेड, मतलब वो कैसी थी वो मिर्च, इट वाज रेड, वह लाल थी। ही एट इट अप, ही माने ही मीन्स वह, एट मीन्स खा लिया या खाना, इट का ही है ये एट, इट इट अप, क्या किया उसको, वो खा लिया। इट वाज वेरी हॉट, वो क्या थी, हॉट मीन्स गर्म होता है, लेकिन यहाँ गर्म का अर्थ नहीं है, यानी बहुत तीखा, हॉट का मीन्स यहाँ तीखा से है। वो मिर्ची कैसी थी, इट वाज वेरी हॉट, मतलब वो मिर्च बहुत तीखी थी। ही क्राइड, वह चिल्लाया, ही मीन्स वह, क्राइड मीन्स चिल्लाया। इट इज हॉट, ये क्या है, अरे ये ओह ये बहुत तीखी है। जैसे हम लोग खाते हैं मिर्च को तो कोई मिर्च कम तीखी होती है और कोई बहुत तीखी होती है, तो जो बहुत तीखी होती है खा लेते हैं तो अरे वाह कितना तीखा है, पानी की ज़रूरत पड़ती है ना, या पानी पीने लगते हैं या कुछ ऐसी वस्तुएँ खाते हैं जैसे सूखा रोटी खाने लगते हैं कि मतलब जो हमें कम तीखा लगे। वैसे ही इस मुर्गी के बच्चे ने उस मिर्च को जब खा लिया तो क्या करता है, ही क्राइड, वह चिल्लाने लगता है। जैसे छोटा बच्चा है आप लोगों के घर पे, मान लीजिए कभी आप मिर्च रखे हैं और वो जाकर खा लेता है तो वो भी चिल्लाने लगता है, तो आप उसको पानी पिलाते हैं या मुंह धुलाते हैं, हर उपाय करते हैं। तो वैसे ही जो ये मुर्गी का बच्चा है, इसने जो है लाल मिर्च को देखा और उसको खा लिया। उसको लाल वस्तुएं पसंद थी, मिर्च लाल थी, उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज़ है, और वो खा लेता है और चिल्लाने लगता है, इट इज हॉट, यानी अरे ओह ये बहुत तीखी है। आगे का देखिए बच्चों, आगे का द येलो चिक रैन, मतलब जो पीला मुर्गी का बच्चा था वो दौड़ कर आया। रैन मीन्स क्या होता है, दौड़ना। चिक, चिक मीन्स मुर्गी का बच्चा, येलो मीन्स क्या होता है, पीला। ही गॉट ए येलो लड्डू फॉर द रेड चिक, मतलब ही गॉट, वो प्राप्त किया या उसको मिल गया, क्या, ही गॉट ए येलो लड्डू, यानी लड्डू देखे हैं आप लोग ना, लड्डू का कलर कैसा होता है, पीला होता है, लाल भी होता है, लेकिन अब रंग मिला देने से, लेकिन वह सामान्यतः लड्डू का कलर पीला होता है। तो जो उस मुर्गी के बच्चे को जो लड्डू प्राप्त हुआ उसका कलर कैसा था, पीला था। फॉर द रेड चिक, फॉर मीन्स के लिए, द रेड चिक यानी लाल मुर्गी के बच्चे के लिए वो क्या लेकर आया, लड्डू, कैसा लड्डू था, पीला लड्डू था। जब लाल मुर्गी का बच्चा चील यानी तीखी मिर्च को खा लिया था, तब दूसरा जो येलो मुर्गी का बच्चा था, पीले कलर का जो मुर्गी का बच्चा था, वो उसके लिए दौड़कर क्या लाया, लड्डू लाया, क्या लाया, लड्डू, और लड्डू का कलर कैसा था, पीला था। द रेड चिक एट द लड्डू, जो लाल मुर्गी का बच्चा था, द रेड चिक एट द लड्डू, लाल मुर्गी का बच्चा जो था वो क्या खाया, लड्डू को खाया, लड्डू खाया। ही वाज हैप्पी नाउ, ही वाज, वह था हैप्पी नाउ, मतलब अब वह कैसा था, प्रसन्नचित था यानी खुश हो गया। देखिए फिर से, जब
उस मुर्गी के बच्चे को लाल मिर्च खा लिया था, उसका कलर क्या था, कैसा था, लाल था, और उस मुर्गी के बच्चे को लाल वस्तुएं पसंद थी, जो लाल मुर्गी का बच्चा था उसको लाल वस्तुएं पसंद थी, तो उसने मिर्ची को, लाल मिर्ची तीखी होती है ना, तो उसने लाल मिर्च को देखा और उसको क्या किया, खा लिया। खाने के बाद वो चिल्लाने लगा, क्या किया, चिल्लाने लगा कि ओह ये तो बहुत तीखी है। तो जो पीला मुर्गी का बच्चा था उसके लिए दौड़ कर क्या लाया, लड्डू लाया, और वो लड्डू कैसा था, उसका रंग पीला था, क्योंकि वो जो पीला मुर्गी का बच्चा था उसको पीली वस्तुएं पसंद थी, यानी पीली वस्तुएं देखता था तो उसकी तरफ दौड़ पड़ता था, आकर्षित होता था। तो उसके लिए वो क्या लाया, लड्डू लाया, कैसे, उस लड्डू का कलर कैसा था, पीला था। तो लड्डू कैसा होता है, मीठा होता है ना। तो जब लाल मुर्गी के बच्चे ने उस लड्डू को खाया, उसको तीखा लगा था, जब उसने लड्डू को खाया तो ही वाज हैप्पी नाउ, वह खुश हो गया। क्यों खुश हो गया, क्योंकि वो जो है लड्डू तीखा नहीं था, कैसा था, मीठा था, और उसको बहुत अच्छा लगा। तो अब इसके आगे का जो है अगले दिन हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। धन्यवाद।